और जब भी आपको ऐसा लगे लाइफ में दैट पानी अपने सर के ऊपर से जा रहा है, हेलो बॉन्जूर ओला नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैडिक मानव। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। बड़े दिनों बाद बहुत अच्छा लगा ये बोल के। सो द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर इज वेयर वाज आई मिसिंग। सबके लाइफ में एक ब्रेक चाहिए होता है, चाहे आप यूट्यूबर हो, इफ़ यू आर डूइंग एनी बिजनेस, इफ़ यू आर डूइंग एनी जॉब, आप कोई भी फील्ड में जो एक काम है वो कंटिन्यूसली करते हो। सो देर इज़ अ मोमेंट वेयर यू गेट बोर्ड, और जब आप बोर होते हो देन योर वर्क ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड। सो मेरे को भी लगा दैट जो अपना क्रिएटिव एस्पेक्ट है वेन एवर आई एम ब्लॉगिंग मेरे को बहुत मज़ा आता है, वो धीरे धीरे जाने लगा। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू गो ऑन अ ब्रेक। नंबर टू, ड्यूरिंग दिस ब्रेक क्या क्या डेवलपमेंट मैंने किए हैं इन टर्म्स ऑफ ब्लॉगिंग, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरी थिंग जो मेरे लाइफ में एक्चुअली हुआ है। सो इन टूडेज व्लॉग आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। जैसे आप लोग देख सकते हैं अभी मेरे को दैट द बैकग्राउंड इज लिट ब्लू और बीच में एक ऑरेंज टिंट है। सो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं किया, मैंने कुछ महंगी महंगी RGB लाइट्स भी नहीं खरीदी है। इट्स जस्ट द सिंपल ट्यूब लाइट्स विच यू कैन सी। सो ऐसी कुछ ट्यूब लाइट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है अमेजोन पे, तो आप सर्च करें, 250-250 रुपये की ट्यूब लाइट्स है। सो मेरा सिंपल पर्पज़ था दैट मेरा काम निकलना चाहिए। जब भी मैं रात को शूट करता था आई ऑलवेज मिस, लाइक मेरे पास वाइट लाइट तो है बट जस्ट एक लैम्प यूज़ कर करके मैं बहुत बोर हो गया था। सो इफ़ यू आर अ यूट्यूबर और इफ़ यू आर एनी कंटेंट क्रिएटर दिस माइट हेल्प यू एंड इट इज़ चीप। और एक डेवलपमेंट की बात करें विच इज़ अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट विच आई हैव मेड करंटली, दैट इज़ आई हैव मेड फाइनली माई कस्टम PC। जो कोई भी प्रोडक्ट्स मैं ख़रीदता हूँ पर्सनली मैं उसकी R&D फुल ऑन करता हूँ। लाइक मुझे पता है दैट मुझे किस पर्पज़ के लिए ये PC चाहिए, इसमें क्या क्या पार्ट्स यूज़ होने चाहिए, एंड वन मोर थिंग, इज़ इट फ्यूचर प्रूफ। तो ऐसे कुछ सवाल है जिसके बारे में हमने फुल ऑन रिसर्च किया है थ्रू यूट्यूब, थ्रू गूगल, एंड फाइनली द PC इज़ बिल्ट। सो सबसे ज़्यादा आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे दैट इज़ स्पेक्स, वॉट आर द स्पेक्स इन द PC। मुझे पता है इसके बाद आप लोग मुझे बहुत गालियाँ दोगे दैट वाई डिडंट यू परचेज AMD इंस्टेड ऑफ इंटेल। इट्स सिंपल, वो मेरी चॉइस है। मुझे पता है दैट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आई यूज आर Adobe प्रोडक्ट्स और इंटेल एंड NVIDIA मेरे को सबसे बेस्ट लगता है इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक कार्ड एंड प्रोसेसर। इट्स अ पर्सनल चॉइस, आपका भी अलग ओपिनियन हो सकता है क्योंकि देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल हु लव AMD बट आई लव इंटेल। सो मैंने इंटेल खरीदा। CPU तो हम लोगों ने बना दिया, उसके साथ क्या चाहिए होता है, एक मॉनिटर। मॉनिटर जो मैंने लिया है दैट इज़ ऑफ LG, दैट इज़ 27-inch 4K डिस्प्ले। एंड अगेन द पर्पज़ ओवर हियर इज़ नॉट गेमिंग, द पर्पज़ ओवर हियर इज़ एडिटिंग। सो आई वॉज लुकिंग फॉर कलर्स इन द स्क्रीन। साथ ही साथ आजकल जो मॉडर्न कंप्यूटर्स बन रहे हैं वायर्स आर मिसिंग डे बाई डे। सो वायर्स मिस हो गए, सो उस वजह से हमारा जो कीबोर्ड है एंड अपना जो माउस है दैट इज़ ऑल्सो वायरलेस। अपने को कोई हैसल नहीं चाहिए ड्यूरिंग आर प्रोसेस। सो आई बिलीव दैट जितने वायर कम रहेंगे उतना बेटर रहेगा। सो ये सब हो गया अपना ओवरऑल एक्सपेंस ऑन आर PC। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस चेयर। सो द मोस्ट कम्फर्टेबल थिंग विच वी रिक्वायर वाइल एडिटिंग इज़ अ चेयर। आपके मन में सवाल आ रहा होगा दैट वाई डिडंट यू परचेज अ गेमिंग चेयर। अगेन मेरा पर्पज़ शो ऑफ करना नहीं है इन दिस व्लॉग और बाइंग माई सेटअप, इट्स माई कम्फर्ट विच कम्स फर्स्ट। मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीदेबल मटीरियल चाहिए था, देन आई वॉन्टेड दैट आई कैन एडजस्ट माई आर्म रेस्ट। मैं चाहता था दैट अपनी सीट फुल रिक्लाइनेबल हो, सो वेन वी व्लॉग and when we edit on a big project, so the main thing is comfort. क्योंकि हम लोग सब एक हाई एंड PC लेते हैं, वी टेक एवरीथिंग टॉप नॉच, बट एट द एंड ऑफ द डे आर मेन पर्पज इज़ टू एडिट वीडियोज़ फॉर लॉन्गर टाइम। सबका अलग अलग पर्पज़ रहता है, मेरा ये पर्पज़ था इसलिए मैंने ये
पीसी, चेयर या फिर कोई भी चीज़ ले लो, वो ली है। अभी तक डेफिनेट बात है दैट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा दैट व्हाई डिडंट यू परचेज अ लैपटॉप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ पीसी। द पर्पज इज़ वेरी सिंपल, मेरे लिए काम करता है, आप लोगों के लिए काम करेगा नहीं करेगा आई एम नॉट श्योर। चलो मान लिया दैट मैंने लैपटॉप खरीद लिया, 1.5 लाख का 2 लाख का लैपटॉप खरीद लिया। वॉट विल हैपन, द लैपटॉप गेट्स आउटडेटेड एंड लैपटॉप ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं अपडेट कर पाऊँगा फ्यूचर रन के लिए। जनरली लैपटॉप हम जब लेते हैं और 3-4 साल हो जाते हैं देन वी सेल ऑफ एंड टेक अ न्यू लैपटॉप। और मेरे को लैपटॉप का उतना नेसेसिटी अभी नहीं है क्योंकि मेरा 90% जो काम है वो घर पे होता है एंड मैं जब ट्रैवल भी करता हूँ सो व्हाट आई डू आई नेवर एडिट माय थिंग्स व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। सो उस समय मैं जस्ट थोड़ा डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ और लैपटॉप अभी मेरे को फ़िलहाल यूज़ होगा जस्ट टू ट्रांसफ़र डेटा इनटू माय हार्ड डिस्क। घर आऊँगा वापस, आई विल पुट ऑल माय डेटा इन माय कंप्यूटर, आई विल स्टार्ट एडिटिंग द व्लॉग्स। सो ऐसा पैटर्न रहेगा मेरे लिए। इफ़ यू टॉक अबाउट फ्यूचर लॉन्ग रन, PC is a better option as compared to a laptop. So these are some of the reasons why I took a break from social media. और जब भी आपको ऐसा लगे life में that पानी अपने सर के ऊपर से जा रहा है, take a break, think, थोड़ा पीछे देखो what other people are doing, थोड़ा knowledge gain करो and definite बात है that ये पूरे time में almost 20-25 days मैंने अपना personal development बहुत किया है as compared to if I was vlogging and doing this continuously. And trust me, breaks are always good. So जैसे आप लोगों को पता चल गया है that I am back on YouTube, तो अपना अभी regular vlogs आते रहेगा। Time to time आप थोड़ा getup room का change देखोगे and that is all what I would like to say in today's vlog. मेरे को ज़्यादा कुछ लंबा vlog बनाना नहीं था, this was just a welcome back वाला vlog. So this is not a particular vlog related to cabin crew, it's related to my personal life and cabin crew का भी अपना vlog जो है वो अभी आता रहेगा on a regular basis. मैंने बहुत सारे articles पढ़े about the future of aviation, so उसका भी आप एक vlog देखोगे and मैंने बहुत सारे topics निकाल के रखे हैं that I would like to discuss on this platform. जो topic आप मुझे बताओगे that you want in the videos in future वो मैं बनाते रहूँगा. So that is it. As always, thank you, merci, gracias, dhanyawad. Catch you soon with yet another exciting vlog. Till that time, peace.